खबर शामिल करते हैं कराची के हवाले से। कराची के बल्दियाती नुमाइंदों ने नदी नालों की सफाई न होने की वजह से शहरी कायद में अर्बन फ्लड का खदशा जाहिर कर दिया है। कराची में नदी नालों की सफाई न होने की वजह से मुमकिना मॉनसून की बारिशों में शहर डूब जाने का खदशा है। फंड्स, इफरादी कुवत और मशीनरी की अदम दस्तियाबी पर बल्दियाती नुमाइंदों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर सवालात उठा दिए। चार इजला के चेयरमैन ने बरवक्त इंतजाम के लिए तआवुन न करने पर कराची को नाकाबले तलाफी नुकसान पहुँचने का इंदिया दे दिया है। जब तक सिंध गवर्नमेंट हमें फंड नहीं देगी, जब तक नाले साफ नहीं होंगे, अगर नाले ये साफ नहीं हुए तो ये ज्यादातर नाले उन कच्ची आबादियों के साथ हैं जो बाद में उन गरीबों के लिए परेशानी का बाहर बनते हैं। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया की वजीर आला और वजीर बल्दियात इस मामले में संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रहे। अर्बन फ्लडिंग के खदशे के पेश नजर किराए की मशीनें लेकर काम करने पर मजबूर है। हुकूमत बल्दियाती नुमाइंदों और आवाम को मीठी गोली देकर तसल्ली देने की कोशिश कर रही है। हुकूमत सिंध ने गुज़िश्ता चार सालों में सिर्फ एक बार नाला सफाई के हवाले से वो भी वाटर कमीशन की हिदायत पर 1-1 करोड़ रुपए तमाम अजला को दिए। बल्दियाती नुमाइंदों का कहना था कि बरवक्त इंतजाम न होने पर एक बार फिर से कराची की सड़कें और अंडरपासेस डूबने, इमलाक को नुकसान और बरसाती नाले भरने का खदशा है। बल्दियाती कयादत ने फौरी फंड जारी करने और के इलेक्ट्रिक के खुली तारों की मरम्मत करने का मुतालबा किया है। मेयर कराची वसीम अख्तर का कहना था कि कराची के नदी नालों की सफाई आखिरी बार 2018 में हुई, जिसके बाद हमने मुतादद बार वजीर आला से दरख्वास्त की कि वो सफाई के लिए फंड जारी करें। कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास इतने वसाइल या पैसे नहीं कि हम खुद सफाई का काम कर सकें। जून 2018 के बाद से अब तक बरसाती नालों की सफाई नहीं हुई। KMC के पास फंड्स नहीं है। वजीर आला सिंध से गुज़िश्ता माह दरख्वास्त की थी, लेकिन अब तक इस हवाले से कोई रकम KMC को मौसूल नहीं है।